गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने संगियों पर करारा हमला किया है। विश्व हिंदू परिषद से संबंध ओला की सवारी को रद्द करने वाले संघी को उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों से आने वाले पेट्रोल का उपयोग करना उन्हें बंद कर देना चाहिए। संघी राष्ट्रवादी और मोदी भक्त जिन्हें मुस्लिम ओला ड्राइवर्स के साथ समस्या है, उन्हें सभी पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग बंद कर देना चाहिए क्योंकि इनमें से अधिकतर उत्पाद मुस्लिम देशों से आता है। उन्हें बाबा रामदेव के दावे गौमूत्र से वैकल्पिक ईंधन विकसित करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने ट्वीट किया कि अभिषेक मिश्रा ने 20 अप्रैल को घोषणा की थी कि उन्होंने टैक्सी रद्द कर दी क्योंकि वे जिहादी पीपुल्स को पैसा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने रद्दीकरण का एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया जिसने चालक का नाम मसूद आलम के रूप में दिखाया। इस बीच ओला कैब्स ने कहा कि वे धार्मिक दृष्टि पर लोगों से भेदभाव नहीं करते हैं। ओला हमारे देश की तरह एक धर्मनिरपेक्ष मंच है और हम अपने चालक भागीदारों या ग्राहकों को जाति, धर्म, लिंग या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। ओला ने एक बयान में कहा, हम अपने सभी ग्राहकों और ड्राइवर भागीदारों से हर समय सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का आग्रह करते हैं। मिश्रा, जिसका सत्यापित ट्विटर अकाउंट विश्व हिंदू परिषद आइडियोलॉजी फर्स्ट हिंदुत्व थिंकर डिजिटल एंड सोशल मीडिया एडवाइजर का अनुसरण करता है, उसके बाद ट्विटर पर 1400 से अधिक लोग, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।